दुनिया रंग बिरंगी जीव जंतुओं से भरी पड़ी है और यहाँ सारे जीव अपने अलग अलग रंग रूप के लिए जाने जाते हैं। कुछ जीव दिखने में इतने डरावने लगते हैं कि हमारा मन उन्हें देखकर ही उनसे कोसों दूर भागने को करता है, तो वहीं कुछ जीव ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो कुदरत ने उन्हें बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ही खूबसूरत जीव से मिलवाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। ये जीव इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि आपकी आंखें बस इन्हें देखती ही रह जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी हम आपको लेकर चलते हैं कुदरत के बनाए हुए नायाब जीवों की तरफ। नंबर 10, पिकासो बग। इस रंग बिरंगे जीव को आप जरा ध्यान से देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने इनके शरीर पर क्या गजब की चित्रकारी कर दी हो। ये जीव दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं कि इनसे अपनी नजरें हटाने को जी नहीं करता। कभी कभी तो इन्हें देखकर ऐसा भी लगता है मानो स्पेन के मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो ने खुद ही इनके शरीर पर रंग भर दिया हो। इनके शरीर के ऊपर बने रंगों की बात करें तो ये आमतौर पर हरे रंगों के बने होते हैं जिस पर लाल और काले रंगों की 11 पट्टियां नजर आती हैं। सब सहारन अफ्रीका में पाए जाने वाले ये बग एक शाकाहारी कीट होता है और पेड़ पर लगे फूल और पत्तियों को खाकर अपना पेट भरता है। वैसे तो इस कीट के अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी ये अपने शरीर से एक दुर्गंध छोड़ने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 9, सेक्रोपिया मॉथ कैटरपिलर। अक्सर ही हम अपने घरों में घूमने वाले कीड़े मकोड़ों को देखकर उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये छोटे से दिखने वाले कीड़े हमें थोड़े डरावने लगते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी कीड़ा मौजूद है जो अपने आकर्षक रंगों के कारण दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले सेक्रोपिया मॉथ कैटरपिलर की, जो अपने रंग बिरंगे शरीर के लिए जाना जाता है। इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो इनके पंखों का रंग भूरे कलर का होता है जिस पर सफेद और काले रंगों के धब्बे बने होते हैं। आमतौर पर जहां बाकी कीड़े छोटे दिखाई देते हैं तो वहीं इस सेक्रोपिया मॉथ कैटरपिलर के पंखों की लंबाई करीब 5 से 7 इंच तक की होती है और ये जब अपने पंखों को फैलाते हैं तो दिखने में काफी बड़े नजर आते हैं। वजन के मामले में भी सेक्रोपिया मॉथ कैटरपिलर बाकी कीड़ों के मुकाबले थोड़े वजनदार होते हैं। इनके वजन की बात करें तो इनका वजन लगभग 45 ग्राम के आसपास होता है और ये लगभग सिर्फ 2 सप्ताह तक ही जिंदा रह पाते हैं। नंबर 8, आर्कियोप्टेरा मैंगा। मेडागास्कर के जंगलों में पाई जाने वाली आर्कियोप्टेरा मैंगा कीड़ों की सबसे खूबसूरत प्रजाति में से एक गिनी जाती है, जिसके नर कीड़े का रंग एक मोर की तरह नीले रंगों का होता है और ये दिखने में बेहद आकर्षक नजर आते हैं। इस कीड़े की प्रजाति को स्टिक इंसेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मादा कीड़े का रंग भूरे रंगों का होता है और ये दिखने में बिल्कुल ही एक पतली सी छड़ी के जैसी दिखाई पड़ती है। इस कीड़े की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने चमकीले रंगों के कारण पेड़ के पत्तियों में आसानी से छिप जाते हैं, जिनसे इन्हें शिकारियों से अपनी जान बचाने में काफी मदद मिलती है। नंबर 7, वेलवेट एंट। यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाने वाली इस जीव का नाम वेलवेट एंट है और इस जीव को काउ किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम के आगे लगे एंट को देखकर आप शायद ये समझ रहे होंगे कि ये एक चींटी की ही प्रजाति होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये खूबसूरत सा दिखने वाला जीव एक तरह का वास्प है जिसे ततैया कहा जाता है। इस जीव के शरीर पर मखमल की तरह फर बने होते हैं जो मुख्य रूप से लाल, पीले और काले रंगों के दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई लगभग 0.25 से लेकर 0.8 इंच के आसपास होती है। वैसे तो ये जीव अपने रंग रूप के कारण दिखने में काफी आकर्षक नजर आता है, लेकिन आप इनके खूबसूरत शरीर को देख कर इनके करीब जाने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो इसका डंक आपको दिन में तारे दिखा सकता है, क्योंकि वेलवेट एंट एक ऐसा जीव है जिसका डंक काफी पेनफुल होता है और इसके डंक से आपको काफी देर तक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, ग्लास फ्रॉग।
नदियों और तालाबों के पास उछल कूद करने वाले मेंढक तो आपने बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने किसी ऐसे मेंढक को देखा है जिसका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नजर आता हो? मेक्सिको से लेकर वेनेजुएला के जंगलों में पाया जाने वाला ग्लास फ्रॉग एक ऐसा ही मेंढक है जिसका शरीर पूरी तरह आर पार नजर आता है। इस मेंढक का शरीर इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि आप इसके धड़कते दिल से लेकर इसके पेट के अंदर वाले हिस्से को आसानी से देख सकते हैं। कांच की तरह दिखने वाला ये मेंढक मुख्य रूप से हरे रंगों का होता है और इसके शरीर पर काले और पीले रंगों के धब्बे बने होते हैं। इस मेंढक की सबसे खास बात ये है कि जहाँ बाकी मेंढक पानी के आसपास वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं, तो वहीं ग्लास फ्रॉग अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर बिताना पसंद करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया में ग्लास फ्रॉग की लगभग 160 प्रजातियां पाई जाती हैं। अपने स्वभाव से निशाचर होने के कारण ये मेंढक अपने भोजन के लिए रात में ही निकलना पसंद करता है और पूरा दिन आराम से सोता रहता है। नंबर 5, रेड आइड ट्री फ्रॉग। वैसे तो दुनिया में मेंढकों की कई अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ मेंढक अपने रंग रूप के कारण बहुत ही आकर्षक लगते हैं। दुनिया के उन्हीं खूबसूरत मेंढकों में से एक नाम रेड आइड ट्री फ्रॉग का भी आता है, जो दिखने में बेहद ही प्यारा नजर आता है। इस मेंढक को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत ने इन्हें काफी फुर्सत में बनाया है। इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो इनका शरीर हरे रंग का होता है, जिस पर नीले और पीले रंगों के निशान बने होते हैं, और वहीं इनके आंखों और पैरों का रंग लाल होता है, जो इनके लुक को और भी ज्यादा सुंदर बनाता है। बाकी मेंढक के मुकाबले रेड आइड ट्री फ्रॉग दिखने में थोड़ा छोटा नजर आता है। इनकी लंबाई की बात करें तो ये करीब 2 से 3 इंच तक ही होती है और इनका जीवन काल लगभग 5 साल के करीब होता है। इस मेंढक के अंदर एक अच्छी बात ये है कि भले ही ये मेंढक दिखने में काफी कलरफुल लगता हो, लेकिन ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। नंबर 4, पर्पल हनी क्रीपर। कैरिबियन और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला पर्पल हनी क्रीपर दुनिया के खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता है। इसके मेल बर्ड का रंग चमकीले नीले रंगों का होता है, तो वहीं फीमेल बर्ड का रंग हरा दिखाई देता है। अगर हम इस बर्ड के पूरे शरीर पर नजर डालें, तो इनके चोंच का रंग काले रंगों का बना होता है, जो दिखने में थोड़ा लंबा नजर आता है। इसके पंखों के पीछे वाले हिस्से भी काले रंग के बने होते हैं, जो नीले और काले रंगों के कारण दिखने में बहुत ही आकर्षक नजर आते हैं। इस बर्ड की लंबाई थोड़ी छोटी होती है और ये पेड़ों पर अपने घोंसले को बनाकर वहाँ अपनी जिंदगी गुजारती है। इस बर्ड की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 4 से 5 इंच तक होती है। नंबर 3, गोल्डियन फिंच। अपने आसपास उड़ने वाले पक्षियों को तो आपने जरूर ही देखा होगा, पर क्या आपने किसी ऐसे पक्षी को देखा है जिसका पूरा शरीर रंग बिरंगा नजर आता हो और ये दिखने में किसी इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता हो? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में पाया जाने वाला गोल्डियन फिंच एक ऐसा ही नायाब पक्षी है जिसे इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। इसकी खूबसूरती का आलम यह है कि इसे खरीदने के लिए मार्केट में भारी डिमांड बनी रहती है और लोग इसे खरीद कर अपने घरों में पालने के लिए ले जाते हैं। इसके रंग रूप की बात करें तो इसका गर्दन वाला हिस्सा नीले रंग का और इसका पेट वाला हिस्सा पीले रंगों का बना होता है, और वहीं इसके चेहरे के रंगों की बात करें तो ये लाल और काले रंगों के नजर आते हैं। दिन के उजाले में सक्रिय रहने वाले ये पक्षी आमतौर पर नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 2, बीडलेट एनामोनी। समुद्र की गहराइयों के नीचे एक से बढ़कर एक जीव मौजूद होते हैं, जो अपने रंग बिरंगे शरीर के कारण लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। एक ऐसा ही खूबसूरत जीव यूनाइटेड किंगडम के अलावा अफ्रीका के अटलांटिक तटों के नीचे पाया जाता है, जो दिखने में किसी फूल की तरह नजर आता है। इस जीव का शरीर इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि कई लोग इसे अपने घर के एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं। इसके शारीरिक रंग रूप की बात करें तो इसका शरीर लाल रंग का बना होता है और ये दिखने में बिल्कुल ही एक खिले हुए फूल की तरह नजर आता है। इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर नजर डालें तो 192 तरह के उभर बने होते हैं, जो मुख्य रूप से लाल और गुलाबी रंगों के नजर आते हैं। नंबर 1, गोलियत बर्डविंग बटरफ्लाई।
हमारी लिस्ट के सबसे आखिरी नंबर पर जो जीव मौजूद है उसका नाम गोलियथ बर्डविंग बटरफ्लाई है, जो न्यू गिनी के इलाकों में पाई जाती है। इस तितली को क्वीन अलेक्जेंड्रस बर्डविंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तितली कहा जाता है, क्योंकि इसके पंखों की लंबाई बाकी तितलियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। इसके पंखों की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 11 इंच लंबे होते हैं, जो दिखने में काफी बड़े नजर आते हैं। इस तितली के नर और मादा के पंखों का रंग अलग अलग नजर आता है। जहां नर तितली का पंख काला और पीला होता है, तो वहीं मादा तितली के पंखों का रंग पीला और भूरे रंगों का दिखाई देता है। लेकिन भले ही ये तितली दिखने में काफी खूबसूरत लगती हो, फिर भी आप इससे जरा दूरी मेंटेन करने में ही अपनी भलाई समझिएगा, क्योंकि ये तितली अपने खूबसूरत रंगों के अलावा अपने शरीर के अंदर मौजूद जहर के लिए भी जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में पाए जाने वाले कुछ बेहद ही खूबसूरत जीव, जो अपनी सुंदरता के कारण इस दुनिया में एक अलग ही पहचान रखते हैं। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।